नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका स्वागत। बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के निर्माण कार्य में पूरे देश में एक उत्साह की लहर है और देश के गांव-गांव, शहर-शहर में लोग सभाएं कर रहे हैं, लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और लोग भी अपनी श्रद्धा और आस्था को वहां पर विसर्जित कर रहे हैं। राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित राम मंदिर सेवा तीर्थ के इस कार्यक्रम में आज जहां विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कुछ गणमान्य लोग उपस्थित थे, वहां पर जैन मुनि मुनि धनंजय कुमार जी की उपस्थिति भी थी। और हमारे पास एक वीडियो क्लिप आई है श्री डूंगरगढ़ से, जो श्रीमान बिमल जी चोरड़िया जी ने हमें भेजी है। उसमें मुनि श्री धनंजय कुमार जी का जो संबोधन था, उस संबोधन में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में राम जी के आदर्श, राम जी की मर्यादा और मर्यादा पुरुषोत्तम, राम वाला भारत, और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मंदिर निर्माण के लिए स्वभावतः जो आप अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जब आप घर घर पहुंच रहे हैं तो इस बात की भी पुरजोर कोशिश होनी चाहिए कि समस्त समाज से कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार नशा युक्त न रहे, यानी नशा मुक्त हर परिवार को किया जाए, क्योंकि नशा सभी समस्याओं की जड़ है और परिवार का विघटन होता है, परिवार में तनाव होता है और विशेषकर महिलाएं बहुत उत्पीड़ित होती है। मुनि धनंजय कुमार जी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बात को कोट करते हुए, उनका उल्लेख करते हुए, उनकी कविता की बात को कहते हुए बार बार ये अपील कही कि अंदर के राम को जगाना होगा। मंदिर निर्माण ये भारतीय संस्कृति की का एक बहुत बड़ा उत्सव है, लेकिन अंदर का रामत्व जगे। और जब हम नशा करते हैं तब कई बार ये कहा जाता है कि क्या तुम्हारा राम निकल गया है, तो राम तो निकालने की नहीं है ना, राम को तो अंदर कर रखने की, समाहित करने की, राम के आदर्श और मर्यादा को जीवन में उतारने की जरूरत है। इसी बात पर मुनि धनंजय कुमार जी का बहुत ही सार गर्भित संबोधन हुआ, उसकी क्लिप आप तक हम इस क्लिप के साथ ऐड करके पहुंचा रहे हैं। और समूचे देश में हर्ष और उत्साह की लहर है। राजस्थान की मरुमाटी से श्री डूंगरगढ़ की भूमि में भी बहुत ही उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। डूंगरगढ़ का हर परिवार श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आस्था और श्रद्धा को बड़ी तन्मयता, उत्सुकता और बड़ी लगन के साथ, बड़ी सक्रियता के साथ समर्पित करते दिखा है। ये खबर हमारे पास आ रही है, तो व्यूअर्स इस क्लिप के साथ मुनि धनंजय कुमार जी की उस क्लिप को भी सुनिएगा, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का ये प्रकल्प पूरा हो और उसके साथ साथ हम सब के दिल में राम जगे, ये पूरा भारत में जैसे राम राज्य की स्थापना हो, आदर्श की स्थापना हो और नशा मुक्त समाज हो, ये बहुत बड़ी बात मुनि धनंजय कुमार जी ने कही है। तो सुनिए उस क्लिप को और उसके बाद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। सुनिए तो वो गिरी जी हरिमंत्र।
बंधुओं बहनों, श्री डूंगरगढ़ में एक अभियान शुरू हुआ है और उसके साथ एक लक्ष्य जुड़ा हुआ है। मेरे सामने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की फोटो है और सफलता का उनका मंत्र लिखा हुआ है। अब्दुल कलाम कहा करते थे कि छोटा लक्ष्य रखना तो अपराध है। एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन काल में आचार्य श्री महाप्रज्ञ से बहुत बार मिले और उनके भक्त जैसे रहे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उन्हें एक लक्ष्य दिया था कि आपने अणु मिसाइल बनाई, अब आपको शांति की मिसाइल बनानी चाहिए। और महाप्रज्ञ जी भी इसी भाषा में कहा करते थे, उनकी बड़ी सुंदर कविता है, उसके पैर ठिठक जाते हैं किसने छोटा लक्ष्य बनाया। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। महान लक्ष्य होता है तो पथ प्रशस्त होता है। किसी आदमी ने कोई छोटा लक्ष्य बनाया और वो एक सीमा के बाद पूरा हो जाए। लक्ष्य वह होना चाहिए जिसमें समाज का हित, व्यक्ति का हित। अभी बात चल रही है राम मंदिर की, एक लक्ष्य, लेकिन इससे भी बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि राम का जैसा राज्य हो वैसा ही भारत का देश। कहते हैं कि राम के युग में कोई बीमार भूख नहीं थी, व्याधि नहीं थी, समाज स्वस्थ था और इस अभियान के साथ साथ जैसा कि भी कहा गया कि निधि का संग्रह तो एक प्रतीक है, मूल है जागरण। यदि हम भारत की चेतना को जगा सके और वो चेतना जब जागेगी कि भारत का समाज स्वस्थ बनेगा, स्वस्थ समाज की रचना एक बड़ा लक्ष्य है। वह दिन धन्य होगा कि जिस दिन भारत की कोई परिवार नहीं, नशा नहीं, अपराध नहीं होंगे, तलाक नहीं होगा, सामाजिक विषमताएं नहीं, यदि ये राम को अभियान चल रहा है, हम भगवान राम के जीवन को देखें, यदि उनके जो गुण हैं, यदि वो भारत की संस्कृति में, भारतीय आत्मा में संक्रांत होते हैं, हम उनके विनय को देखें, उनकी कृतज्ञता को देखें, उनकी अनाशक्ति को देखें, कैसे उन्होंने क्षण में राजपाट त्याग दिया, किस प्रकार उन्होंने अपने वचन का पालन किया। कहा कि मैंने विभीषण को वचन दे दिया और वो रंगे, ये पूरा नहीं हुआ तो मेरे मन में पड़ी, तो वो एक महान लक्ष्य के साथ जिए थे राम, उनके जीवन के साथ लक्ष्य जुड़ा हुआ था, उस लक्ष्य के मूल में था स्वस्थ समाज रचना। उन्होंने आसुरी शक्तियों का विनाश किया, श्रमों का हृदय परिवर्तन किया। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो जो अभियान चल रहा है उसका बाहरी लक्ष्य, जैसा कि कहा गया यह मंदिर निर्माण है या निधि की संकल्पना है, लेकिन उसका आंतरिक लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत का हर आदमी की आत्मा समृद्ध हो, हर आत्मा पवित्र हो, हर आत्मा निर्मल हो। और वह तभी हो सकती है कि जब आज हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां व्याप्त हैं उनको हम समाप्त करें।
एक ऐसी क्रांति हो कि समाज कम से कम एक अभियान भी इसके साथ चले कि हर हर परिवार नशा हो। आज समस्या की जड़ क्या है, आप देखिए किसी के घर में परिवार से समस्या की जड़ क्या है, नशा। आज अपराध बढ़ रहे हैं उसके पीछे बड़ा कारण नशा है, घरों में समस्याएं हैं उसके पीछे भी बड़ा कारण नशा है। हम स्वामी जी से बात कर रहे थे, मैंने कहा कि एक समय वह था कि जब किसी गांव में नशे करने वाले लोग गिनती अंगुलियों पर गिने चुके होते थे, आज यदि हम देखें तो शायद नशा न करने वाले लोग अंगुलियों पर गिने चुके हैं। मैं चाहता हूँ डूंगरगढ़ का ये समाज मेरे सामने उपस्थित है और सारे काम का कर ही रहे हैं, यदि कम से कम एक अभियान ये चलाएं इस अभियान के साथ साथ कि हिंदू समाज पूर्ण नशा मुक्त है, कोई आदमी नशा नहीं कर रहा है, तो ये बड़ा महान लक्ष्य है और वह दिन धन्य होगा। राम को राम की सच्ची स्मृति हो कि हमारा कोई भी परिवार नशा युक्त नहीं, हर परिवार नशा मुक्त है। इसका मतलब है कि हर आदमी की भीतर को राम ज्यादा। आप लोग कहा करते हैं कि कोई नशा कर लेता है ये भांग हो जाता है, कहते इसका राम निकल गया। आप उस भीतर के राम को जगाएं इस अभियान के साथ, जो योगदान दे रहे हैं उस योगदान को आप अभियान चला रहे हैं। जब घर घर आप जाएंगे संपर्क करेंगे, ये काम तो स्वभाव से होगा और उनके प्रति आस्था वो करेंगे और अपना सामाजिक दायित्व हर आदमी निभाना जानता है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये अभियान चलाएं कि डूंगरगढ़ का नहीं पूरे देश का हर हिंदू परिवार नशा मुक्त है। मेरे ख्याल से ये अभियान चला तो सबसे ज्यादा सुखी महिलाएं होंगी, इनके परिणामों को ये भोगती। आप समाचार पढ़ते हैं वो इतने सारे ऐसे आते हैं कि नशे के कारण ये हुआ वह हुआ, ये समस्याओं की जड़ बन रहा। उनमें तो इतनी ही कामना करना चाहता हूँ इस मंच से और ये सारे संस्कृति से भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग हैं जो भारत की आत्मा को उन्नत बनाना चाहते हैं, भारतीय गौरव को विधिवत करना चाहते हैं और कुछ लोग एवं देश पशु सत्य सकाशा दग्र जन्म है तम तम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानव। इस देश के जो लोग थे वो तो विदेश आते थे यहाँ से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करके जाते और अपने देश में फैलाते थे। ये अभियान तब ये सार्थक होगा कि जब वापस भारत का गौरव लौटेगा सम सम चरित्रम शिक्षेरन, और उसका पहला पाठ ये बनेगा कि जब तक आदमी नशा मुक्त नहीं होगा तब तक उसका चरित्र की उन्नत नहीं होगी। आज हमारे जो प्रयास हो रहा है भारतीय संस्कृति का या चरित्र का उसमें बड़ा रोल पेशेंट का है। मैं आयोजकों से ये अपील करना चाहता हूँ और हम भी इस अभियान में सहयोगी बनेंगे कि आप इस प्रकार का अभियान चलाए, एक हो आपका कार्य चले और उस स्वभाव से एक लक्ष्य आपके साथ है और उस लक्ष्य की बहाने उस लक्ष्य की परिधि में बल्कि केंद्र में इस चीज को रखें कि हमें हमारे हर परिवार को नशा मुक्त बनाना। और यदि भारत का समाज स्पेशली यदि डूंगरगढ़ का समाज से अग्रणी बने और पूरा डूंगरगढ़ नशा मुक्त हो तो शायद एक आदर्श काम हो। राम राज्य को आदर्श माना गया और वास्तव में वो आदर्श था राम का, हम आदर्श को पुनः स्थापित करें तो ये एक बड़ा महान लक्ष्य हमारे सामने निरंतर रहे और इस लक्ष्य के साथ भी आप चले एक छोटा सा अभियान और ऐसे कहें कि महान अभियान। इसके साथ पूरे समाज का चरित्र जुड़ा हुआ है, पूरे देश की अस्मिता का प्रश्न जुड़ा हुआ। राम क्या जो व्यक्तित्व था उसे हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे भीतर का इस बहाने राम जाने हमारी आत्मा में वो आत्मा राम हम बने और एक महान लक्ष्य हमारे भीतर हुआ। इस प्रकार के आयोजन की
सार्थकता सब पूरी हो जाएगी। ओम।